रहे थे कुशल, लिस्ट जारी होने वाली है, वो ऑलरेडी लिस्ट जारी होती हुई दिख रही है, अभी आपकी स्क्रीन पर वही इंफॉर्मेशन आती दिख रही है। 101 और डिफेंस उपकरण है जिनको नेगेटिव लिस्ट में लाया गया है, यानी कि इनका उत्पादन भारत में होगा, और कई सारे इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी शामिल हैं, सेंसर्स, कुछ तरह के वेपन्स, एम्युनिशन, रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल वेसल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे कई सारे आइटम्स इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा फायदा सेंसर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को होने वाला है, उस पर आप रखिए नजर, इसकी हम बात भी कर रहे थे। नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसमें सबसे सामने आएगा। पेट्रोल वेसल्स की बात करें, मजगांव डॉक यहां पर आपको फोकस करना चाहिए, साथ ही कोचिन शिपयार्ड एंड टू सम एक्सटेंट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी, हालांकि उनका डिफेंस उत्पादन देखना पड़ेगा किस लेवल का है, बट इन्हें फायदा होगा। मिसाइल्स की आप बात करें, एंटी शिप मिसाइल हो, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, तो ऑफकोर्स भारत डायनामिक्स भी फोकस में आएगा। उसके बाद छोटी कंपनीज हैं जैसे कि एस्ट्रा माइक्रो है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स है, यहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। जेन टेक्नोलॉजी हो गया, पारस डिफेंस हो गया, यहां पर भी इसका फायदा आपको मिलते हुए दिखेगा। BHEL, BEML जैसे काउंटर्स को भी फोकस होगा। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज भी इसमें शामिल हैं, बट ऑफकोर्स सबसे बड़ा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही होगा। सेंसर्स की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, काफी सारे जो इसके एवियोनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही प्रोड्यूस करता है। तो बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र के लिए आ रही है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में बड़ा एक्शन भी बना हुआ है, और ये लिस्ट आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो विजुअल्स भी आते हुए दिख रहे हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए बड़ा फोकस है। इनफैक्ट एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री। तैयार किया है, ऐसे सारे साइंटिस्ट को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसके पहले भी 2 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की जा चुकी है, और आप में से अधिकांश लोग इससे अवगत होंगे। 2020 और 2021 में जारी इन लिस्ट में 101 और 108 डिफेंस आइटम सम्मिलित किए गए थे। इनमें कई बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स थे जो पहले हमेशा इंपोर्ट किए जाते थे, पर अब यह निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार हमारे डोमेस्टिक वेंडर से ही खरीदे जाएंगे। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही यानी 25 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 2 लिस्ट के बाद मिले परिणामों की स्वयं सराहना भी की थी, और रक्षा मंत्रालय आज यह तीसरी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर रहा है। साथियों, एक एक करके डिफेंस आइटम्स की लगातार तीसरी लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को यह दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना ये हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये थे रक्षा मंत्री। 101 और रक्षा उपकरणों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है, इसका आत्मनिर्भरता पर फोकस होगा, घरेलू उत्पादन पर फोकस होने वाला है। अच्छी बात है कि सरकार यहां पर आपको क्लियर टाइमलाइन दे रही है, 2,50,000 करोड़ रुपए के उत्पादन को अगले 5 साल में भारत 2,10,000 करोड़ के ऑर्डर्स की बात थी, तो 2,50,000 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं, 1,75,000 करोड़ के ऑर्डर्स आए, तो ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, सारे के सारे हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे, बिल्कुल बाहर से इम्पोर्ट नहीं होंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भारत को जो पुश मिल रहा है ना, वो डिफेंस से मिल रहा है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप क्वांटम में कई आजकल हर सेक्टर की आती है कि इसमें ये वाली स्कीम आ रही है आपकी PLI, लेकिन आप देखो कि सबसे बड़ी किस्में है, और क्वांटम देखो, साइज देखो, तो बहुत जबरदस्त एक्शन है, बहुत जबरदस्त, तो बढ़िया है। चलो, 2,50,000 करोड़ अपने आप बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात न सिर्फ डिफेंस कंपनियों के लिए भी स्टील भी लगेगा, कास्टिंग भी लगेगी, 50 और चीजें होंगी, तो बाकी इंडस्ट्रीज को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, वो पूरा जो यही आप बाहर से मंगवा के मंगवाओ तो वहां की इंडस्ट्री को मिलता है ना सारा का सारा काम, अब हमारे देश की मिलेगी, MSMEs को बहुत बड़ा फायदा होगा इसका। एब्सोल्युटली, चलिए, ये डिफेंस स्टॉक सारे के सारे फोकस में है और बड़ा बूस्ट आते हुए दिख रहा है।
Thank you.